नमस्कार, रीजनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग में नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम मैं एक्चुअली तो पढ़ाता नहीं हूँ, मगर हो सकता है आप लोगों को मैं पढ़ा दे रहा हूँ। कहोगे नहीं सर जी गोला दे दिए, ये चैप्टर ही नहीं पढ़ा है। वो उसमें जो टाइप थ्री है वो मैं सिर्फ बताता हूँ, जो भी मैं क्लास लेता हूँ उसमें सिर्फ टाइप थ्री जो मैक्सिमम आपके एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं वेन डायग्राम का, कि इतने लोग फुटबॉल खेलते हैं, इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं, इतने लोग दोनों खेलते हैं, उसमें तीन वाला भी आ जाता है कभी कभी। तो ठीक, तो वो अब दो सेशन में हमारा ये चैप्टर होगा पूरा कंप्लीट। आज के सेशन में हम टाइप वन और टाइप टू को देखेंगे। टाइप वन और टाइप टू बहुत ही आसान होता है, आपको उस पर कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको सिर्फ ये देख जानना है एक बार कि कैसे डायग्राम बनता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इतना आ गया तो आप टाइप वन और टाइप टू के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर ले जाओगे और हमेशा आप लोग पेपर में करते रहे होगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दिया जाए कि ये जितने भी आपको वीडियो लेक्चर दिए जा रहे हैं वो 10+ कोर्स के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। अगर आप इन सभी लेक्चर्स के नोट्स या प्रैक्टिस सेट चाहते हो तो आप PDF सब्सक्रिप्शन प्लान ले लो, जो 3 महीने के लिए वैलिड रहेगा, जिसे आप परीक्षा प्लस ऐप से ले सकते हो। चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर वेन डायग्राम। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है आपसे एग्जाम में पूछने का, पहले तो हम बता दें कि एग्जाम में आपसे इससे कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है और कौन कौन से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, पहले तो ये जान लो। ठीक है, तो देखो इसमें तो एक सिंपल सा एक क्वेश्चन आपका कभी कभी आ ही जाता है, कि आपका दे दिया रहेगा यहाँ पे कि बताओ चेयर है, ठीक है, टेबल है, फर्नीचर है, ऐसा कुछ टाइप का लिख के आ जाता है और नीचे आपके तीन वेन डायग्राम बने रहते हैं ऑप्शन में। ठीक, पूछता है कौन सा वेन डायग्राम इनको सही रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले तो आपको आना चाहिए कि वेन डायग्राम होता क्या है, उसे रिप्रेजेंट कैसे कराया जाता है, क्योंकि यहाँ एक बार वेन डायग्राम जान लोगे तो आपको सिलॉक्स पढ़ने में आसानी रहेगा। तो इसमें देखो तीन केस बनता है, एक तो सिंपल सा आपको कि एक तो होता है ऑल का केस। ऑल का केस ये बताता है आपका कि उनमें क्या ऐसा हो सकता है कि वो पूरे के पूरे जो है चीजें उसी के अंतर्गत आ जाएं, जैसे यहां बोला गया चेयर और टेबल और फर्नीचर बोला गया। तो इन तीनों चीज को देख के आपके दिमाग में क्या हो रहा है कि जब फर्नीचर की बात आपसे बोला जाता है, फर्नीचर की बात कहा जाता है, तो वहां पे आपके दिमाग में ये बात चलती है कि फर्नीचर में तो सब कुछ आ जाता है, जितने भी चेयर हैं, टेबल हैं, किसी भी प्रकार के, चाहे वो प्लास्टिक की चेयर हो, चाहे प्लास्टिक का मेज हो, कुछ भी हो, A to Z फर्नीचर में, सोफा सेट हो, सब कुछ, बेड हो, सब कुछ आपका कहाँ आ जाएगा, ये फर्नीचर में आ जाएगा। तो जैसे ही चेयर और टेबल और फर्नीचर बोला गया तो दिमाग में आपके ये आया कि फर्नीचर के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, वो फर्नीचर वाला होगा। अब उसके अंदर चेयर, टेबल, बेड, सोफा ये सब आते हैं, तो उसमें एक चेयर हो जाएगा और एक आपका टेबल हो जाएगा। अब मैंने चेयर पूरे के पूरा चेयर तो टेबल नहीं बन सकता, या टेबल चेयर नहीं बन सकता, तो हम इस चेयर टेबल को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट करने का मतलब ये हो जाएगा कि जितने चेयर होंगे वो सबके सब टेबल होंगे। यहाँ तो हम सिलॉक्स पढ़ नहीं रहे हैं, स्टेटमेंट तो दिया नहीं है ऐसा कुछ कि आपको जो स्टेटमेंट दिया है वही सोचना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है। क्योंकि अगर सिलॉक्स पढ़ते हैं और सिलॉक्स में ये स्टेटमेंट दे देता एग्जामिनर कि ऑल चेयर्स आर टेबल, तब तुम्हें मानना पड़ता कि सभी चेयर टेबल्स हैं। लेकिन आपको यहाँ कुछ नहीं दिया रहता है सिर्फ इन तीन शब्दों के अलावा, तो आप जनरली जो होता है उसे आप सोचोगे कि चेयर कभी टेबल पूरा का पूरा नहीं हो सकता। चेयर एक अलग आइडेंटिटी है, टेबल अलग आइडेंटिटी है, और चेयर टेबल मिला के ये सब दोनों आइडेंटिटी किसके अंतर्गत आते हैं, ये बड़े क्लास, एक फर्नीचर क्लास के अंतर्गत आते हैं। बस ये क्लास डिवीजन आपको पता चल जाए कि किस क्लास में कौन बिलोंग करता है, किससे रिलेट करता है, तो बस इसका आंसर आप आराम से निकाल लोगे। तो ये ऑल वाला हो गया देखो, जिसमें कि पूरे के पूरे चेयर जो हैं वो किस में आएंगे, फर्नीचर में आएंगे। पूरे के पूरा टेबल किस में आएगा, वो भी फर्नीचर में आएगा। ठीक, तो ये ऑल का जो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा कि किसी भी आइडेंटिटी को, ए को अगर पूरा का पूरा भी बताना होगा तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। सम मतलब कि कुछ का हो जाए। ठीक, कुछ का डायग्राम आपका कुछ ऐसा बनेगा, जैसे बोला जाएगा कि मान लो यहां बोल दिया गया कि
मेन बोल दिया गया और यहाँ पे डॉक्टर लिख दिया गया, ठीक, दो चीज लिखा हुआ है मेन और डॉक्टर, तो आप क्या इसमें सोचोगे, पूरे के पूरे आदमी डॉक्टर हैं? ये तो नहीं बना सकते हो ना कि मेन को हम ये वाला डायग्राम बना के दिखा दें कि जितने के जितने आदमी हैं सब के सब डॉक्टर हैं, ऐसा है क्या रियल में, देख रहे हो ऐसा तो नहीं है ना रियल में। तो इसका मतलब कि हम ये बना सकते हैं जो रियल ट्रूथ है कि हम ये कह सकते हैं ये मैन हो गया, इसमें कुछ आदमी जो हैं वो डॉक्टर हैं, ठीक है, कुछ जो हैं स्त्रियां डॉक्टर होंगी, तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते सिर्फ पूरे के पूरे आदमी ही डॉक्टर है, ये हमारा रियल ट्रूथ नहीं हुआ। रियल ट्रूथ क्या हुआ कि जो मैन और डॉक्टर लिखा है इसमें अगर संबंध हमें बताना है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें से कुछ आदमी जो है डॉक्टर होंगे, पूरे के पूरे आदमी डॉक्टर नहीं होंगे, अगर ऐसा होता तो आज ये स्थिति नहीं होती, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, और यही चीज आपकी जब सिलॉक्स में बात की जाती है तो सिलॉक्स में सिर्फ स्टेटमेंट पे ध्यान देना रहता है, दुनियादारी से मतलब नहीं होता है। यहाँ दुनियादारी से मतलब है कि जो दुनिया में है चल रहा है वैसे ही हमें इसे डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि यहाँ कुछ आपसे स्टेटमेंट नहीं दिया गया रहता है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद से आ जाता है नो का रिलेशन। अब नो कहाँ कहाँ आएगा देख लो, जैसे बोल दिया जाए आपसे कि यहाँ पर एक्टर है, इंजीनियर है, इसमें कई डायग्राम बनते हैं, एक्टर और इंजीनियर को दोनों में सम का भी दिखा सकते हो, अलग अलग आइडेंटिटी भी दिखा सकते हो, और या तो आप सीधे डॉग है, ठीक है, काऊ है, क्रो है, ये आप में लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, अब तीनों तो अलग अलग हैं, कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा है, ऐसा लग रहा है किसी क्लास से एक ही क्लास से बिलोंग कर रहे हो, तीनों के तीनों अलग अलग जानवर हैं, अलग अलग क्लास के हैं, ठीक है, डॉग अलग है, डॉग को हम ना काऊ से बोल सकते हैं कि कुछ कुत्ते गाय होते हैं ऐसा तो कह नहीं सकते हो, जनरली ऐसा होता नहीं है, रियली जो है ऐसा तो होता नहीं है कि हम डॉग को काऊ ऐसे बना दें, तो ये डायग्राम नहीं होगा। तो हम तीनों को अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब तीनों में कोई रिलेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना, डॉग काऊ और क्रो, और यही यहाँ पे सिर्फ एक चीज लिखा होता डॉग काऊ और यहाँ एनिमल लिख देता, ठीक है, तब डायग्राम दूसरा बन जाता, तो एनिमल एक बड़ा क्लास हो जाता जिसके अंतर्गत डॉग आ जाता और यहाँ काऊ आ जाता, ठीक। तो ऐसे हमें क्लासिफाई करना है कि किस क्लास में कौन बिलोंग करेगा। अगर आपके पास क्वेश्चन ये सिर्फ लिखा है डॉग काऊ और क्रो, तो हम जानेंगे ये तीनों के तीनों में कोई आपस में रिलेशन नहीं है, जनरली जो होता है जो रियल में आप देखते हो कि डॉग काऊ और क्रो में कोई रिलेशन नहीं है, तो आप तीनों को क्या आइडेंटिटी अलग अलग बनाओगे, ठीक। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे और क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम समझाएंगे, ये तीन ही चीज पे बात होती है और यही तीनों चीज हम सिलॉक्स में आगे पढ़ेंगे, और ये वो स्टेटमेंट पे बेस पे चलता है और ये स्टेटमेंट के बेस पे नहीं चलता है, ये आपके जो रियल दुनिया में घटना चल रही है उसी के बेस पे हमें क्लासिफाई करना होता है। आ जाते हैं, क्वेश्चन है पहला, आपके पास लोहा है, तांबा है और पीतल है, ठीक है, तीन चीजें हैं, लोहा, तांबा, पीतल। अब तीनों चीजों को सोच के आपके दिमाग में क्या वैल्यू बनेगा कि तीनों चीजों अलग हैं, तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, सही बात है। तीनों का जो डायग्राम होगा वह ऑप्शन देख के कमेंट करो क्या होगा, तो तीनों का जो डायग्राम होगा वह अलग अलग होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तो कमेंट के माध्यम से अपना अपना आंसर सभी लोग बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, आसान आसान से क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से, एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये, वेन डायग्राम आपको एकदम आसान है, इसमें ज्यादा जूझना ही नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा, आप ये सब जानते नहीं हो, जो चीजें आपके रियल लाइफ में है उसी को सिर्फ आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कि कुत्ता बिल्ली गाय है तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्या इनमें कोई जो है आपका रिलेशन होता है कि नहीं होता है, जिसमें होता है उसमें रिलेशन दिखाओ, जितने का होता है, जिसमें नहीं होता उसमें ना दिखाओ। जैसे इसमें बोला पुस्तक, पेन, पेंसिल, ठीक, तो क्या पेन और पेंसिल में कोई रिलेशन होगा, नहीं होगा ना, हम ये तो नहीं बोल सकते कुछ पेन पेंसिल है, ऐसा तो नहीं बना सकते, अगर हम पेन और पेंसिल को लें तो कुछ पेन पेंसिल है ये तो हम बोल नहीं सकते, ऐसा तो होता नहीं आपके रियल में, जो पेन होता है वो अलग होता है, पेंसिल आपका अलग होता है। उसके बाद से पुस्तक है, तो क्या हम पेन को पुस्तक से बना सकते हैं, क्या पेन और पुस्तक में
कोई रिलेशन दिखा सकते नहीं दिखा सकते, पेन आपकी पुस्तक नहीं हो सकती, ना ही आपकी पुस्तक जो है पेंसिल हो सकता है। ये तीनों आपके क्या हैं, अलग अलग आइडेंटिटी हैं, कोई इनमें सिमिलरिटी नहीं है, कोई किसी का काम नहीं कर सकता। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों अलग अलग आइडेंटिटी हैं, तो तीनों में क्या रख जाएगा, अलग अलग तीनों बनेंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन बी है सही हो। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर दो। बोला कुत्ता, बिल्ली और पालतू। अब बताओ भाई, इसमें कुत्ता, बिल्ली और पालतू, कोई और जानवर नहीं लिया इसने आगे, कुत्ता लिया, बिल्ली लिया, आगे पालतू लगा दिया। अब इसमें आपको रिलेशन बताना पड़ेगा, कैसे रिलेशन, तुरंत आपके दिमाग में आएगा। देखो पहले वाले को लोगे कुत्ता, ठीक, और बिल्ली। कुत्ता और बिल्ली में हम क्या कोई रिलेशन निकाल सकते हैं, इन दोनों को क्या आपस में टच करा सकते हैं, इनमें कोई रिलेशन निकाल सकते हैं कि कुत्ता को हम कुछ कुत्ते को बिल्ली बना दें? ये हम सिलॉक्स तो कर नहीं रहे हैं, तो अपने मन से तो हम कुत्ते को बिल्ली नहीं बना देंगे। कोई कुत्ता ये तो नहीं तुम्हें दिखता है कि कुछ बिल्ली होते हैं, ऐसा तो दिखता नहीं है रियल में। कुत्ता अलग होते हैं, बिल्ली अलग होते हैं। हाँ, अब पालतू में आ जाएं तो पालतू में कई जानवर हो जाते हैं आपके, गाय हो गई, भैंस हो गया, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, लोमड़ी हो गई, खरगोश हो गया, जो भी हो, चूहा हो गया, जो जो पालते हो तुम लोग, ठीक है, वो सब आ जाएंगे पालतू में। तो पालतू बोला जाए तो एक बड़ा ये क्लास हो गया जिसके अंतर्गत बहुत से जानवर आ जाते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं अगर ये पालतू है, ठीक है, तो इस पालतू में कुछ जो होंगे वो क्या होंगे। हम ये भी नहीं बोल सकते डायरेक्ट, हम ये नहीं बना सकते हैं कि ये पालतू है, ठीक है, तो इसमें हम कुत्ते को डाल दें, ठीक, इसी में पूरे पूरे कुत्ते को डाल दें, इसी में पूरे पूरे बिल्ली को डाल दें, क्योंकि बिल्ली में तो हम कुत्ते बिल्ली में तो कोई रिलेशन निकालेंगे नहीं। हम ये डायग्राम दिखा दें कि सर हम ये बना दे रहे हैं, क्या ये सही है, पूरा का पूरा पालतू में कुत्ता और बिल्ली डाल दिया, ये सही नहीं है आपका। आप खुद ही सोचो कि जितने जितने कुत्ते आप लोग समाज में देखते हो, क्या सबके सब पालतू होते हैं क्या? जितनी बिल्लियां देखते हो क्या सबके सब पालतू होती हैं? चाहे जो भी देखते हो जानवर, वो क्या सबके सब पालतू होते हैं? नहीं होते हैं ना। इसीलिए अगर ऐसा बना दिए तो वो गलत हो जाएगा। यहां ये बता रहा है कि जितने कुत्ते हैं वो सबके सब पालतू हैं, और जितने बिल्ली हैं वो सबके सब पालतू हैं। इसलिए इसका जो बहुत सही डायग्राम बनेगा तो ये होगा आपका पालतू, ठीक है। उसके बाद से इसमें हम कहेंगे कुछ कुछ जो हैं कुत्ते जो हैं, बोला जाए कुछ जो कुत्ता है वो पालतू है, ऐसे ही कुछ जो बिल्लियां हैं वो आपकी क्या हैं, पालतू हैं। ऐसे हम कह सकते हैं, हम पूरा पूरा नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं इस पालतू में कुछ जो हैं बिल्ली हैं जो पालतू हैं, और कुछ जो हैं कुत्ते पालतू हैं, ऐसे कुछ गाय जो होंगी पालतू होंगी, बाकी जो आपके घूम रहे हैं वो होंगे उस, वैसे ही और भी खरगोश होंगे जो पालतू होंगे, और कुछ जो हैं आपके जंगलों में रह रहे हैं वो होंगे। तो ऐसे बन सकता है आपका डायग्राम। तो कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन होगा इसका बच्चों? ऑप्शन डी सही होगा, ये होगा बीच वाला पालतू, बाकी के आपके बिल्ली और जो है क्या मान लो, एक को कुत्ता मान लो, तो ऑप्शन डी वाला सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर कमेंट करो, आंसर कमेंट करो, इसका आंसर क्या होगा। चलो अब देख लेते हैं, जिसका आंसर नहीं आया वो देख लो क्या है। बोला है न्यायाधीश, चोर, अपराधी, किसमें किसमें रिलेशन दिख रहा है? न्यायाधीश, चोर, क्या न्यायाधीश चोर में तुम लोग रिलेशन दिखा सकते हो? न्यायाधीश को चोर बना दोगे? जो न्याय करने के लिए बैठा है उसी को चोर बना दोगे? इसमें कोई रिलेशन बता सकते हो क्या? न्यायाधीश का जो होता है वो समझ सकते हो, अपने आप से मत सोच लेना कि सर जी कभी कभी तो न्यायाधीश भी अगर कोई कुछ उल्टा सीधा काम कर दे तो वो भी तो अपराधी हो गया। मगर यहाँ क्वेश्चन में आपको जनरल थिंकिंग सोचनी है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है उसके, कि नहीं कि न्यायाधीश भी तो अपराधी बन सकता है, बन सकता है, लेकिन जो यहाँ आपको एक जनरल कि क्या सबके सब सबके सभी कंडीशन में ऐसा ही होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। जो उसका प्रोफेशन है न्यायाधीश का वो अपना काम करेगा, चोर का जो प्रोफेशन है वो अपना चोरी का काम करेगा, और अपराधी जो यहाँ दिया है, अब इसमें कौन सा डायग्राम सही होगा? तो यहाँ भी वही है कि हम न्यायाधीश को चोर तो बना नहीं सकते, ये अलग प्रोफेशन है, ये अलग प्रोफेशन है, चोरी करने वाला चोर होगा, ठीक है, जो न्याय करने वाला वो न्यायाधीश है। तो अब इसमें दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं होगा, मगर अपराधी में किसका रिलेशन आ जाएगा? इस अपराधी में देखो
क्योंकि अपराधी चाहे वह कोई भी काम करे, चाहे चोरी करे, चाहे हत्या करे, चाहे डकैती करे, चाहे कुछ भी करे, ए टू जेड जो इलीगल हो, वो सब के सब किस कैटेगरी में आता है? वो अपराधी के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इस अपराधी में हम ये नहीं कह सकते कि छोटा सा यहां बना दें कि चोर, कि कुछ चोर अपराधी होते हैं। तो क्या कुछ चोर बहुत ईमानदार होते हैं? क्या चोरी करना सही होता है? क्या ऐसा अगर बना दोगे तो, जैसे पिछला वाला केस देखें, तो यहां पे ये केस नहीं चलेगा। यहां आपको पूरा का पूरा बताना पड़ेगा कि पूरे के पूरे चोर, चाहे वो कोई भी हो, कैसी भी चोरी करे, चाहे वो चीनी की चोरी कर ले, चाहे चाय पत्ती की चोरी कर ले, चोरी करने वाला अगर जान में आ गया, माखन चोर जो कृष्ण भगवान थे वो भी चोरी थे, अपने घर में ही चोरी करते थे, तो ये भी चोर क्या होगा? आपका अपराधी ही होगा। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये पूरे के पूरे चोर सब में अपराधी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो ये चोर पूरा पूरा अपराधी में आएगा। अब बचे कौन? आपके न्यायाधीश। जब चोर न्यायाधीश का ना अपराधी से कोई लेना देना है, ठीक, और ना ही चोर से लेना देना, तो वो भैया अपना इंडिविजुअल अलग इंसान है, तो वो क्या होगा? अलग होगा। ठीक, अब उसमें बहुत डीप थिंकिंग ना करने लगना कि सर न्यायाधीश भी तो चोर हो सकता है, चाहे अपराधी हो सकता है। ठीक, तो अगर न्यायाधीश को इसके अंदर डालोगे तो कहा जाएगा पूरे के पूरे न्यायाधीश अपराधी हैं। अगर ये वाला डायग्राम बना दोगे कि चोर यहां हो गया, ये आपके क्या हो गए? अपराधी। और यहां न्यायाधीश की कुछ न्यायाधीश भी अपराधी हो सकते हैं। ठीक, तो ये आपका एकदम एक्सट्रीम केस है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। ठीक, आपको जो आपको डायग्राम दिया है उसी में से आपको आंसर देना है। तो अभी आपके पास कौन सा सुटेबल है? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपके ऑप्शन में ये नहीं मौजूद हुआ वहां पे, तब आप क्या कर सकते हो? तब आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पे न्यायाधीश अपराधी हो जाएगा और यहाँ पे आपके चोर हो जाएगा, तो यहाँ न्यायाधीश को अपराधी बना सकते हो, क्योंकि फिर आपको कोई और डायग्राम सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसके अलावा कुछ न्यायाधीश को अपराधी बना सकते हो कि हाँ, एक केस ऐसा हो सकता है कि न्यायाधीश अपराधी हो सकता है। हम पूरा पूरा नहीं बना सकते, लेकिन जब आपके ऑप्शन में ऐसा सेट नहीं है, ये वाला है ही नहीं डायग्राम और ये डायग्राम है, क्योंकि दोनों डायग्राम देगा नहीं आपसे। ठीक है, ऐसे कई जगह केस बनेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ ऐसा केस बनता है, तो वहां पे आप ऑप्शन से ही कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कारखाना, मशीनरी और उत्पाद। ठीक है, कारखाना, मशीनरी और उत्पाद, इसमें क्या रिलेशन होगा? बच्चों जल्दी से आंसर करके कमेंट बताओ। एकदम आसान सा है, सिंपल सा है, कुछ नहीं सोचना है। एक कंपनी है, कारखाना है, ठीक है, उस कंपनी के अंदर ही क्या होगा? उसके मशीन होंगे। ये तो है नहीं कि कंपनी कहीं और है, मशीन कहीं और है, उसका प्रोडक्शन उत्पाद कहीं और हो रहा है, वो सब एक कंपनी के अंतर्गत ही होगा। तो बस कुछ नहीं सोचना है कि कंपनी के अंदर ही क्या होगा? आपका उत्पादन होगा और मशीन होंगी, और उत्पादन और मशीन में कोई रिलेशन नहीं होगा, मशीनरी और उत्पादन में कोई रिलेशन नहीं होगा, इसलिए वो दोनों अलग अलग आइडेंटिटी होंगी, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ऐसा कुछ आपका डायग्राम बनेगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग कमेंट करो। बोला है पुरुष, लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी। अब इसे ध्यान से करना, पुरुष लड़के हैं, फिर आपके फुटबॉल खिलाड़ी दिया हुआ है, तो ये कैसे आप कर सकते हो? इसका आंसर क्या होगा? देखो इसमें है पुरुष, उसके बाद लड़के दिया है, तो पहले तो इन दोनों में देखो कोई रिलेशन होगा क्या, पुरुष और लड़के में? हाँ, एकदम जाहिर सी बात है कि जितने के जितने लड़के होंगे वो सब के सब क्या होंगे? पुरुष होंगे। ऐसा तो नहीं लड़का बोल दिया गया तो वो उसका जेंडर कन्वर्ट हो जाएगा, फीमेल में हो जाएगा। वो आजकल वाला ना सोचो कि जो कन्वर्ट हो जा रहे हैं, मेल से फीमेल हो जा रहे हैं, जेंडर कन्वर्जन वाला। ठीक है, सिंपल सा है, जो नेचुरली है उसे सोचो कि पुरुष और लड़के में क्या संबंध है। तो हम ये सोचेंगे कि ये पुरुष एक बड़ी कैटेगरी है, ठीक है, और इसी के अंदर आपका क्या आएगा? लड़का आएगा। ठीक है, जितने लड़के होंगे वो सब के सब क्या होंगे? पुरुष होंगे, कोई और जेंडर नहीं हो सकते। अब आगे देख लेते हैं कि पुरुष, लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी। अब फुटबॉल खिलाड़ी में तो भैया दोनों जेंडर आ सकते हैं, मेल भी आ सकता है और फीमेल भी आ सकता है, तो हम इसमें इसके अंदर फुटबॉल खिलाड़ी नहीं रख सकते हैं।
ठीक है, फुटबॉल खिलाड़ी आपका मेल भी होगा फीमेल भी होगा, तो इसलिए हम क्या रखेंगे, कुछ ऐसा डायग्राम बनाएंगे, ये होगा आपका फुटबॉल प्लेयर। ठीक है, फुटबॉल प्लेयर, तो ये दिखाएगा आपका कि कुछ फुटबॉल प्लेयर आपके जो पुरुष भी हैं और लड़के भी हैं। ठीक है, इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। और यहाँ जो बचा हुआ है वो बताएगा, ये फुटबॉल प्लेयर जो बचे हुए हैं वो उनका जेंडर पुरुष और लड़कों को छोड़कर अलग है, कुछ लड़कियां होंगी स्त्रियां होंगी। ठीक, तो वो यहाँ पे ये दिखाया गया, तो एग्जैक्ट फिगर जो होगा डोनेशन में आपका नोटेशन का वो यही होगा। ठीक है, कि यहाँ पे पूरे के पूरे लड़के आपके क्या हो गए, पुरुष हो गए, और फुटबॉल प्लेयर आपका पूरा पूरा किसी से रिलेशन नहीं होगा, कि अगर हम फुटबॉल प्लेयर को लड़के से बना दें कि फुटबॉल प्लेयर है, और आपका क्या करें लड़के से यहाँ पे कुछ लिखा दें कि कुछ लड़के जो है फुटबॉल प्लेयर है, या हम ये कह दें कि पूरे पूरे फुटबॉल प्लेयर जो हैं लड़के हैं, तो ये भी तो हमारा गलत होगा। हम कुछ भी बना लें कि पूरे पूरे फुटबॉल प्लेयर लड़के हैं, तो इसका मतलब लड़कियां फुटबॉल नहीं खेलती हैं, खेलती हैं। इसीलिए एकदम हमें एग्जैक्ट सोच के कि क्या आपका उसका नोटेशन होगा वही बनाना है, तो एग्जैक्ट आपका नोटेशन यही होगा कि पहले तो एग्जैक्ट देख लें इन दोनों में क्या बन रहा है, इन दोनों में तो यही बन रहा है कि पूरे लड़के जो होंगे आपके क्या होंगे, पुरुष होंगे। बाकी इन दोनों में फुटबॉल प्लेयर वाले को कैसे बैठाएं, तो हम जानते हैं कि फुटबॉल प्लेयर मेल और फीमेल में से ही हो सकता है, तो और ये भी हो सकता है कि वो मेल कब कहलाए, आपका लड़का भी हो सकता है, जो आपका आदमी भी हो, तो इसीलिए इस दोनों को टच करना चाहिए, तो ऐसा डायग्राम बनेगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर कमेंट करिए। सिंपल सा है, बोला 8 वर्ष, 8 नहीं होगा ये, 18 वर्ष होगा, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, उसके बाद से मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति, मतदान कर चुके व्यक्ति। ठीक है, अब इसे आपको रिप्रेजेंट करना है। अब एक-एक रिलेशन निकालो, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति, क्या ये दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है? देखो, मतदान सूची में जो लिस्ट आती है उसमें उन्हीं का नाम होता है, अगर ईमानदारी से डलवाया गया होता है, जो 18 से ऊपर होते हैं, जिसे राइट टू वोट का अधिकार है, उन्हीं का सिर्फ नाम हो जो होगा सूची में नाम होगा, वो तो अलग से बात होती है कि आपके जो है प्रधान उधान मिलकर इधर उधर जुगाड़ लगा के जो है वोट बटोरने के लिए क्या करते हैं, छोटा सा पैदा जही हुआ उसका नाम लिखवा देते हैं। ठीक, ये होता है, आप देखे होंगे। तो ऐसे केस में इन दोनों में तो कोई रिलेशन नहीं होगा, तो हमें वो केस नहीं सोचना है प्रधान जी वाला, हमें ये सोचना है कि हमारा रियल में क्या होता है, जो मेन जो है कि मतदाता जो सूची है उसमें किसका नाम होगा जो 18 के एवब होंगे। तो इसमें और इसमें तो कोई रिलेशन नहीं होगा, वो अलग होगा और ये अलग होगा। अब मतदाता सूची और मतदान कर चुके वालों में क्या होगा? भैया, जो मतदान कर चुका होगा उसका कहीं ना कहीं नाम मतदाता सूची में होगा। ठीक है, वो फ्रॉड वाला केस गया आज के समय में, आपको लिस्ट मिलती है वोट के समय, पहले ही घर पे आ जाता है। ठीक है, वहां आपका वेरीफाई होगा, उसके बाद से आप वोट डाल सकते हो। पहले ऐसा होता था, पर्ची बना के हम देते थे, पे जाओ ये जाओ मारिए आओ प्रधान जी के, ऐसा नहीं है केस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मतदान कर चुके व्यक्ति और मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति, तो ये उसी के अंदर ही आएगा, तो ये हम कहेंगे तो ये तो सूची वाला है आपका, जिसमें सभी मतदाताओं के नाम लिखे हुए हैं और उसी में से ये लोग हैं जो मतदान कर चुके हैं, जो लोग मतदान करते हैं। जैसे क्या होता है, मतदाता सूची में तो काफी लोगों का नाम होता है, लेकिन जो प्रेजेंट में वहां रहते हैं वही वोट डालते हैं, बाकी लोग कोई कहीं है, कहीं कोई अपना जीवन व्यापन कहीं और कर रहा है, तो वो लोग वहां रहते हैं, तो वो ये केस ये बन गया। उसके बाद से 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे, तो वो तो ये कहीं इसमें लाई ही नहीं करेंगे, वो एक अलग आइडेंटिटी हो जाएंगे, तो उनको अलग से हम दर्शाएंगे। तो ऐसा कौन सा रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है? ऑप्शन सी दिख रहा है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, चलो नेक्स्ट है, अभिनेता पशु और पक्षी। ठीक, एक्टर एनिमल और बर्ड कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, कमेंट करके बताओ। ऐसे मैंने कई एग्जांपल करा दिया आपको, एक्टर एनिमल और बर्ड, देखो तीनों में क्या, एक्टर में और एनिमल में हम कोई रिलेशन दिखा सकते हैं क्या? हम ये कह सकते हैं पूरे के पूरे एक्टर एनिमल है, ऐसा होगा? नहीं होगा ना। क्या कुछ एक्टर एनिमल हो सकते हैं? ये भी नहीं हो सकता है। ठीक, अब वो मत सोचना कि सर जी मूवी में जो कुत्ता काम करता है, हाथी काम करता है, वो भी तो जो है आपका क्या होता है, एनिमल होगा,
और जो कलाकार होते हैं उनको, तो एनिमल को भी हम कलाकार बोल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं आपको सोचना है, एक्टर आपका यहाँ अलग हो गया, जो इस समय पहचान है हमारी इंडस्ट्रियों में सिर्फ आदमियों से हैं जो एक्टर हैं। एनिमल जो होगा आपका अलग होगा, आप बर्ड जो होगा वो अलग होंगे, मतलब तीनों आइडेंटिटी आपके क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक, तीनों लोग अलग अलग होंगे, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य देश शहर, इसे आपको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में, राज्य देश और शहर। ठीक है, अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वही एक एक पकड़ लो, जैसे यहां से पकड़े देश और शहर, तो देश और शहर में हम क्या देखें भैया, कोई रिलेशन है? हाँ, देश और शहर में तो रिलेशन ही है, साथ में साथ राज्य है, तो कैसा रिलेशन है आप खुद सोचोगे। शहर तो एक छोटी इकाई हो गई, ठीक है, अब यह शहर किसके अंतर्गत होगा, यह शहर एक किसी किसी ना किसी राज्य के अंतर्गत ही तो होगा, कोई भी शहर होगा किसी राज्य में ही होगा, तो हम यही बोलेंगे ये इस राज्य का, हम बोले लखनऊ, तो लखनऊ किसके अंदर है भैया, यूपी के अंदर है, और यूपी किसके अंदर है, इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर तो बोल नहीं दोगे। ठीक, तो ये डायग्राम बनाओगे तो सेम ऐसे ही है आपका, शहर कोई है वो किसी राज्य के अंतर्गत होगा, और कोई राज्य आपका किसी देश के अंतर्गत होगा, बस यही बनेगा, क्योंकि पूरे के पूरे राज्य मिला के देश बनेंगे, पूरा का पूरा शहर मिला के, कोई भी छोटा एक एक दो दो तीन तीन शहर, सब शहर मिला के आपके राज्य बनेंगे, तो ये रिप्रेजेंटेशन होगा, कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, आ जाओ, जिससे जिस एग्जाम्पल से शुरू किया था वही एग्जाम्पल है, फर्नीचर कुर्सी और मेज, फर्नीचर कुर्सी और मेज क्या होगा इसका, तुरंत आ जाएगा कि चेयर टेबल में तो कोई रिलेशन नहीं होगा, हम इसमें कुछ भी नहीं बना सकते, चेयर को ना हम टेबल बना सकते हैं, ना टेबल में चेयर में कोई आपका रिलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन फर्नीचर एक ऐसा है जो इनसे भी रिलेशन रखता है और इनसे भी रिलेशन रखता है, कैसा रखता है, ये कहता है भैया फर्नीचर कि हमारे अंदर ही सब के सब आते हैं, छोटे मोटे चेयर टेबल सोफा, ठीक है, सब आते हैं, तो इनमें क्या करो कि ये फर्नीचर की कैटेगरी हो गई, और इसी में चेयर हो जाएंगे, और इसी में आपके क्या हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, तो ऐसा कौन सा डायग्राम दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है, क्योंकि चेयर और टेबल में कोई रिलेशन नहीं रहेगा, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग रहेंगे। ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देख लेते हैं इसे, सभी लोग कमेंट करो इसका आंसर, अच्छा सा क्वेश्चन है, बोला वुमेन मदर डॉक्टर, औरत माँ और डॉक्टर, औरत माँ और डॉक्टर, इसका रिप्रेजेंटेशन कौन सा सही होगा डायग्राम में, सिंपल सा सोचना है, कोई एक उठा लो, अब औरत और माँ है, अब इसमें आपको क्या सोचना है कि क्या रिलेशन हो सकता है औरत माँ में, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, जो माँ होंगी वो पूरी की पूरी, जितनी भी माँ होंगी पूरे दुनिया में, वो सब के सब क्या होंगी, औरत होंगी। ठीक है, इससे तो ये रिलेशन निकल गया, इन दोनों को हमें देखते ही ये पता चल जाएगा कि जितनी जितनी भी माँ हैं इस पूरे दुनिया में, वो सब के सब क्या हैं, औरत हैं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते ना कि कुछ माँ जो हैं वो औरत हैं, अपने मन से कुछ भी अज्यूम नहीं करना है, जो रियलिस्टिक दुनिया में है वही चीजें देखनी है, तो पूरी की पूरी माँ जो है औरत हो गई। अब आ जाते हैं हम डॉक्टर के बारे में, तो अब डॉक्टर भैया, अब ये तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते कि पूरी की पूरी औरत डॉक्टर है, ऐसा तो नहीं बना सकते, ये कर सकते हैं कि इस डॉक्टर में कौन कौन होगा, इसमें मेल भी कैंडिडेट होंगे और फीमेल कैंडिडेट भी होंगे, होंगे कि नहीं बच्चों, पक्का होंगे, डॉक्टर कोई एक तो बनता नहीं है, इसे मैं जान लो, तो इसमें क्या होगा, तो औरत आपका ये फीमेल कैंडिडेट है, माँ भी फीमेल कैंडिडेट है, तो इसीलिए पूरे उसके अंतर्गत आई हैं, तो इसीलिए जब डॉक्टर को हम बनाएंगे तो हम कुछ दोनों को काटते हुए बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा डॉक्टर का डायग्राम होगा, इससे ये होगा कि कुछ माँ जो माँ है, ठीक है, वो डॉक्टर होंगी, और कुछ ये औरत में आया है ना, इसका मतलब कि कुछ ऐसी औरत होंगी जो अभी माँ नहीं बनी है, तो वो भी डॉक्टर हो सकती हैं, तो ये जो आपका डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है वो एकदम करेक्ट होगा। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन कहां दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में दिख रहा है,
कुछ नहीं था, मैंने पहले दो को उठाया, बोला कि माँ पूरे की पूरी औरत हो सकती है और डॉक्टर जो है वो ला है, तो डॉक्टर हम जानते हैं मेल और फीमेल दोनों आता है, तो हम सिर्फ ऐसा ना बना के कि यहाँ माँ है यहाँ औरत है और यहाँ से सिर्फ बना दें डॉक्टर, क्योंकि यहाँ ये गड़बड़ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि कुछ औरत जो है डॉक्टर है, तो क्या माँ कोई ऐसी जो है नहीं है जो माँ है वो और वो डॉक्टर भी हो? क्यों नहीं है? आप देखिए हॉस्पिटल में, ठीक है, कितनी लोगों की जो है वो मदर भी होती हैं और अपना पेशा भी करती हैं डॉक्टरी का, तो इसीलिए वो चीज वहां गलत हो जाएगा, पूरा रियलिस्टिक दुनिया को आपको कवर करना है, तो इसीलिए हम इसे थोड़ा सा बढ़ा के इसे भी कवर करेंगे, ताकि ये भी हो जाए कि कुछ माँ, ठीक है, सभी को नहीं कवर कर सकते कि सभी की सभी माँ जो है आपके डॉक्टर हैं, ये तो गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक, ये बोल सकते हैं कुछ ऐसी औरतें हैं जो माँ है और वो डॉक्टर भी हैं। ठीक, तो इसीलिए इस डायग्राम को ऐसा बनाया गया, आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पशु सब्जी और आलू। पशु और सब्जी में क्या कोई रिलेशन? पशु और आलू में कोई रिलेशन नहीं, इसका मतलब जो पशु होगा इन दोनों से तो कोई रिलेशन नहीं रखेगा, ये अलग ही होगा, नो। अब सब्जी और आलू में कोई अंतर, कोई रिलेशन? हाँ रिलेशन है, सब्जी एक बड़ी क्राइटेरिया है जिसके अंतर्गत सब आ जाते हैं, आलू टमाटर भिंडी बैंगन सब, तो इसीलिए आलू को हम कहाँ रख देंगे? इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, कि पूरी का पूरा जो आलू आएगा, ये नहीं है कि कोई आलू बनारस वाला है, कोई उत्तर प्रदेश वाला है, कोई मेरठ वाला है, तो उसको अलग अलग करोगे, आलू कहीं का भी हो सब सब्जी के कैटेगरी में आता है, तो पूरा का पूरा जो आलू होगा वो क्या होगा? आपका सब्जी होगा। ठीक है, और पशु जो है वो आपका अलग है, इसलिए ये पशु वाला जो है इन सबसे अलग दिखेगा, तो ऐसा कौन सा डायग्राम आपको दिख रहा है? ऑप्शन सी दिख रहा है, यही हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब यहां देखो थोड़ा सा सावधानी से करना है, इसे बोला है येलो वेजिटेबल्स रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल नहीं, इसे रेड ब्लड ही लिख लो, लाल रक्त खून, ठीक है, येलो वेजिटेबल और रेड ब्लड, अब इसमें क्या करोगे? पीला और सब्जी में कोई रिलेशन है? हाँ रिलेशन है, जैसे बैगन देखते हो नीले कलर का होता है, बैगनी कलर का, ठीक है, उसका कलर है ना, ऐसे पीले कलर का भी होता है, पीला आम होता है, ठीक है, पीला और भी जो आपके जो सब्जियां हैं तो वो पीला हो सकती हैं, तो इसमें हम ये बता सकते हैं कि कुछ आपकी जो सब्जियां हैं वो पीला हो सकती हैं, मतलब आपका कलर उसका पीला हो सकता है, लेकिन ये लाल रक्त दिया है, ये साफ साफ ब्लड के बारे में बात कर रहा है, तो ब्लड का रिलेशन ना येलो से होगा ना वेजिटेबल से होगा, वो आपका क्या होगा? कहीं अलग आपका लाई करेगा, तो ऑप्शन इसमें भी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये सब मैं आपको क्या कौन सा करा रहा हूं? टाइप वन करा रहा हूं। ठीक है, बोलना ऑथर लायर सिंगर, ऑथर लॉयर सिंगर, लेखक वकील और गायक, इसमें कौन सा डायग्राम होगा? ऐसे केस में डिपेंड करता है आपका ऑप्शन पे, देखो ऑप्शन में हम अगर करें, ऑप्शन से करना कोशिश करो, किसी को हम कुछ मान ले, मान लो इसको मैं ऑथर मान लूं, इसको लॉयर मान लूं और इसे सिंगर मान लूं, तो पूरे के पूरे ऑथर जो है लॉयर होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं क्या कि जितने जितने ऑथर हैं किताब लिखने वाले लेखक वो सब के सब लॉयर हैं? ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है, अब यहां से तो इसका मतलब ऑथर हटा दें, अब यहां सिंगर ले लें, सिंगर को लॉयर बोल दें, तो क्या हम ये कह सकते हैं पूरे के पूरे सिंगर लॉयर हैं? नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते, कोई भी ऐसा चीज ले लें जिसपे हम बोल दें कि सबके सब, ठीक है, तो ऑल का केस तो इनमें हो ही नहीं सकता कि सबके सब ऑथर जो है लॉयर होंगे या सबके सब सिंगर लॉयर होंगे या सबके सब लॉयर सिंगर होंगे, ऐसा और का केस तो किसी में सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। ठीक है, इसमें कौन सा केस सेटिस्फाई करेगा? देखो ये तीनों बी वाला ऑप्शन चेक कर लें, ऑथर लॉयर और सिंगर, ये केस तो आपका सेटिस्फाई कर सकता है कि तीनों का ऑक्यूपेशन आपका क्या है? अलग अलग है, प्रोफेशन आपका अलग अलग है, लेखक आपका अलग है, लॉयर जो वकील है उसका प्रोफेशन अलग है, अब गायक जो है उसका प्रोफेशन अलग है, सबका प्रोफेशन है, तो आपका बी तो एक बार सेटिस्फाई करेगा, लेकिन कभी कभी अगर आपका ऑप्शन बी नहीं दिया है तो आपका ये डायग्राम भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तीनों में इंटर रिलेट, जैसे मैं बोल दिया ये ऑथर हो गया, ये लॉयर हो गया और ये सिंगर हो गया,
इस केस में कह सकते हैं हम ऑथर वाला, कुछ ऑथर ऐसे होंगे जो आपके लॉयर भी होंगे और जो सिंगर भी होंगे, होते भी हैं कुछ लोग जिनका क्या होता है, हॉबी होता है गाना गाना, तो वो सिंगर हो गए। और कुछ ऐसे ऑथर होते हैं जो लॉयर होते हैं, लॉयर की किताब लिखने वाले वो भी तो लेखक ही हैं, तो एक तरह से क्या हुए, आपके लेखक ही हुए, तो वो लॉयर ऑथर हुए कि नहीं हुए। ऐसे लॉयर की केस देख लें तो कुछ लॉयर ऐसे होंगे जो ऑथर होंगे और कुछ उनका शौकीन होगा सिंगिंग का, तो वो सिंगर भी होंगे। तो ये भी आपका इसी टाइप के क्वेश्चन में आपका ऑप्शन होगा। अगर आपके पास देखो इस तीन आपके ऑप्शन जो दिया है उसमें ये नहीं दिया, या तो जहां पे ऐसे केस आएंगे वहां पे ये देगा, या यहाँ पे तीनों प्रोफेशन को अलग अलग नोट आपका डिनोट करेगा। तो आपको जो उसमें उस समय ऑप्शन दिया रहेगा उसी से आपको काम चलाना है। जैसे यहाँ पे दे दिया तो मेन सुटेबल जो है वो है कौन सा, ऑप्शन बी सुटेबल है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन ना दिया होता उसकी जगह पर आपका ऐसा ये ऑप्शन दिया होता तो आपका ये वाला करेक्ट हो जाता। आगे वाले क्वेश्चन में वही है, बढ़ जाते हैं आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है टीचर, राइटर और म्यूजिशियन, शिक्षक लेखक और संगीतकार, शिक्षक लेखक और संगीतकार, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? देखिए तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया टीचर राइटर और म्यूजिशियन या तो ये अलग अलग प्रोफेशन हो गए, टीचिंग टीचर जो है वो उसका काम टीचिंग का है तो वो प्रोफेशन आपका अलग हो गया, राइटर अलग हो गया, म्यूजिशियन अलग हो गया, इससे डोनेट कर सकते हैं उसके प्रोफेशन के हिसाब से। अगर ये नहीं दिया है डायग्राम तब क्या करोगे? अपने मन से तो सोचना नहीं, आपके सामने चार ऑप्शन होते हैं तो वहां आपको जो मैक्सिमम सुटेबल होगा वो ये होगा कि टीचर भाई है तो टीचर तो राइटर भी हो सकता है आपका, ठीक है, तो टीचर आपके राइटर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि सबके सब टीचर राइटर है, ऐसा भी नहीं होता है, ये हम कह सकते कुछ टीचर आपके राइटर हैं, ठीक है, और उसी में से कुछ टीचर आपके क्या है, म्यूजिशियन भी हैं और कुछ राइटर भी आपके म्यूजिशियन है, तो ऐसे हम डायग्राम बना देंगे। तो जो टीचर भी आपका क्या हो जाएगा, म्यूजिशियन हो जाएगा, राइटर भी म्यूजिशियन हो जाएगा, और तीनों सब एक दूसरे से लिंक रहेंगे। जैसे म्यूजिशियन भी आपका कुछ टीचर होंगे कुछ राइटर होंगे, तो तीनों एक दूसरे से लिंक रहेंगे, तो ऐसा ये सेटिस्फाई आपका करेगा। तो अभी आपके सामने कौन सा डायग्राम दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये टाइप टू है आपका, जिसके बारे में हम टाइप जो है वो अगले सेशन में बात करेंगे टाइप टू के बारे में और टाइप थ्री के बारे में। जो टाइप टू और टाइप थ्री है हमारा, उसमें टाइप टू तो एकदम आसान होता है, जो टाइप थ्री है, टाइप थ्री में आपका वही जो मैक्सिमम आपके आप आजकल देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चन उठा रहा है कि इतने बच्चे फुटबॉल, इतने आपके क्रिकेट, बाकी दोनों ये खेलते हैं, तो उनसे रिलेटेड है। तो टाइप टू और टाइप थ्री हम अगले सेशन में कर लेंगे। आप लोग सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर दो, और चैनल पर जितने लोग नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।